ये नाचना गाना सिर्फ तुम नहीं कर रहे, तुमसे पहले भी बहुत लोग करते थे। फेमस सिर्फ तुम नहीं हो, तुमसे पहले भी बहुत लोग फेमस थे। दौलतें, इज्जतें, शोहरतें, ये आपसे पहले भी लोगों के पास थे। फिरौन से ज्यादा कोई फेमस है? मैटर अमाल करते हैं। तो यार वो धोखे जो शैतान हमसे पहले बहुत सारे लोगों को दे चुका, अब वो हमें देने की कोशिश कर रहा है। हमसे पहले भी शैतान ने इंसानियत की एक बहुत बड़ी तादाद को गुमराह करके रख दिया था। उनको दुनिया की रौनकें दिखाई, शोहरतें दिखाई, दौलतें दिखाई और ले गया अपने साथ जहन्नम की गहराइयों में। किसी को हुसन के नशे करवाए, किसी को दौलत का पुजारी बनाया, किसी को नफ्स और हवस के हवाले किया। और आज भी शैतान डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमारे नौजवानों को धोखा दे रहा है। जिसका थोड़ा सा रंग फेयर है और फेस कट अच्छा है, उसको ये पटिया पढ़ाई हुई है कि जाओ अपने हुसन के जाल में लोगों को गिरफ्तार करो। जिसका फिगर अच्छा है, उसे एज अ मॉडल, एज अ शो पीस स्क्रीन के सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि बाकी लोगों के भी डिजायर्स हिट हों और वो जानवर बनने पर मजबूर हो जाएं और इनडायरेक्टली वो मेरी फर्माबरदारी करने लग जाएं। जबानों पर तो कलमा सजाया होगा इन्होंने, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा होगा इन्होंने। जब इनसे कोई पूछता होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तो आगे से ये भी कहते होंगे कि हमारा रब अल्लाह है। उसके बावजूद जिसको ये अपना रब मानने का दावा कर रहे हैं, वो तमाम आमाल जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया हुआ है वो तो करेंगे, लेकिन जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि भाई ये करो ऐसा करो, उसे ये मुश्किल कहेंगे, उसे ये असातीरुल अव्वलीन वाली बातें, पुराने लोगों की बातें कहेंगे।